तो यो भाइयों कैसे अब तक स्वागत है आपको चैनल में। ऐसा करता बहुत बढ़िया होगा, नहीं होगा तो वेट करके होने वाले हो। तो भाई आज के टॉपिक में जाने कि बाइसेप की कौन सी एक्सरसाइज है भाई तुरंत लगे और अपने बाइसेप बिगड़ से बिगड़ बन पाए अपनी बाइसेप, तो कौन सी एक्सरसाइज है वही बताने वाला हूँ। तो भाई चार इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाइसेप की एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप करोगे तो भाई आपके आपके बाइसेप में ग्रोथ दिखेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ग्रोथ आ रही है। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो भाई पहली एक्सरसाइज मैं बताने वाला वो भाई हम मारेंगे डंबलों के साथ। आज सारी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ तो डंबलों के साथ ही मारूंगा, कैसे डंबलों के साथ ही अपने बाइसेप कैसे ग्रो कर सकते हैं बिना कोई रोड के। तो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, पहले एक्सरसाइज इस तरीके से अपने डंबल ले लेना है अपने को, इसको फ्रीज कर देना है इस तरीके से, उसके बाद फिर ऊपर, फिर ऐसे फिर लेते हुए नीचे, पूरा नीचे नहीं जाना इस तरीके से, बस यहाँ तक है होल्ड करके, अब फिर ऊपर इस तरीके से, ये ऊपर गए इस तरीके से पूरा ऊपर, फिर ये नीचे गए फिर लेते हुए इस तरीके से, फिर ये ऊपर इस तरीके से, फिर ये नीचे इस तरीके से ऊपर और ये नीचे इस तरीके से आपको करनी है। पोजीशन का ध्यान रखना है, आपकी ये चीज़ हिल लेनी चाहिए बिल्कुल, ये चीज़ फ्रीज होनी चाहिए और इस तरीके से पूरा ऊपर जाना और पूरा नीचे जाना इस तरीके से। इसके चार पट्टी से निकालना है अपने हिसाब से, पहले 5 का 7.5 का आपके अब जितना वेट हो सके धीरे धीरे बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, मैक्स करना चारों बार में, चारों बार में वजन ज़्यादा करके बढ़ाते जाना है, उसके बाद ही आपके बाइसेप पर ज़्यादा असर हो पाएगी। तो पहली एक्सरसाइज ये वाली थी। सेकंड एक्सरसाइज मारेंगे हैमर। तो हैमर कैसे मारेंगे वो दिखाता हूँ, हैमर आपने मारते हुए शायद पर, लेकिन हैमर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़िया है तो इसमें मैंने इंक्लूड करा है इस वाली वीडियो में। तो हैमर किस तरीके से मारनी है, इस तरीके से कर लिया हैमर, इस तरीके से ये गया इस तरीके से, इस तरीके से पूरा ऊपर जाना पूरा, फिर उसके पूरा नीचे पूरा फील लेते हुए, ये नहीं आप इस तरीके से मार रहे हो झटके से, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरीके से, और फिर ये ऊपर और इस तरीके से, किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना आपको कि एल्बो का सहारा ले रहे हो अब ऐसे मोमेंटम का इस तरीके से हिल हिल के सहारा ले रहे हो, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना, बस आपके बाइसेप से करना जो भी करना है, क्योंकि हम बाइसेप की एक्सरसाइज मार रहे हैं किसी और चीज़ की नहीं मार रहे। तो इस तरीके से ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट हूँ मैं, बस मेरे हाथ की मोमेंटम हो रही है सिर्फ इस तरीके से, ये देखो कितनी बढ़िया एक्सरसाइज जा रही है। तो ये भी बाइसेप की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज ये होगी बाइसेप की, थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बाइसेप ग्रो करना चाहते हो तो ये भाई अपने रूटीन में लाना लाना है और आपको तुरंत बाइसेप बाइसेप में आपका फ़र्क दिखेगा, आपका बाइसेप चौड़ा दिखतेगा और बाइसेप बाइसेप चौड़े होते हैं तो आपको पता है कितनी बढ़िया लुकिंग आती है और बिल्कुल अपना स्मार्ट लगने जाते हैं। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज की बात करेंगे, पर लेकिन थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले अभी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके लाइक करके वो घंटा बजा दीजिए। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज हम कुछ इस तरीके से, ये अपना है स्टूल है इस तरीके से, क्या करेंगे इसके ऊपर ये लिया ये बाइसेप के लिए इस तरीके से गए, ये पूरा नीचे जाना है इस तरीके से, ये नहीं आप पूरा छोड़ दे रहे इस तरीके, ये भी पूरा छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, सब मिस्टेक भी बता रहा हूँ कौन कौन सी मिस्टेक हो भी जाती है, तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने ये पूरा लिया, ये तो पूरा लेना है आप लेना, जब नीचे जा रहे हैं ना तो पूरा नहीं छोड़ना, बस यहाँ तक गए होल्ड करना है इसको, होल्ड करते देखो पूरा बाइसेप की शेप आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो फिर इसके इस तरीके से गए ये ऊपर, ये देखो बाइसेप कटिंग देखो कितनी बढ़िया आ रही है, तो इस तरीके से पूरा नीचे जाना है ये नीचे और ये फिर ऊपर, पूरा छोड़ना नहीं है अपने को, जब तक हो सके जब तक हाथ में पावर है नीचे तक जाते जाना है इस तरीके से, नीचे गए और ये अप इस तरीके से, ये देखो पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन करना है अपने को इस तरीके से, ये गए जैसे ये राइट हैंड से करा है सेम लेफ्ट हैंड से भी इसी तरीके से करना है, पूरा एक इस तरीके से पूरा छोड़ना नहीं है आपको, इस तरीके से हल्का सा होल्ड ही करके रखना है, पूरा छोड़ना नहीं है, ये गए ऊपर और ये देखो ये गए नीचे, ये देखो कितनी बढ़िया शेप आ रही है बाइसेप की, इंस्टेंट बाइसेप के लिए भी यही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़िया होती है इस तरीके से, ये देखो। तो ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई है, जैसे कि इसके भी 4 रेपिटेशन लगाने हैं वजन ज़्यादा कर करके, यानी एक ही वजन आप मारते जा रहे हो तो भाई ज़्यादा ग्रो नहीं पाएगी, वजन जितना जाके बढ़ाओगे अपनी स्ट्रेटेजी को और जब तक करते रहना जब तक भाई से एंड पॉइंट ना हो जाए ना, एंड पॉइंट मतलब बिल्कुल दर्द होने लग जाए उसके बाद भी आपको 3-4 रेप्स लगाने, जो मैं बार बार कहता हूँ जितने चार जो लास्ट के होते हैं ना 4-5 रेप्स जो खुद से पूरी जान लगा के मारते हैं उसी हमारे वही बॉडी को ग्रो करता है, और जो ऐसे मार रहे हो आप वो तो भाई बॉडी को आदत हो जाती है उसकी नहीं, पर लेकिन जो चार जो लास्ट के 4-5 मारोगे ना आप खींच के तो भाई उससे ही ग्रो हो पाएगी। तो ये थर्ड एक्सरसाइज थी, अब फोर्थ एक्सरसाइज की बारी, लास्ट एक्सरसाइज की बारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाली एक्सरसाइज तो देखना ना भूले। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया आपको ये वाली है, तो ये वाली कैसे मारनी है, जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस पे जैसे करते हैं उस तरीके से सेट कर लेना है, 90 पे नहीं करना, 75 या 45 डिग्री से अप में 65 इस तरीके से सेट करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से पोजीशन बना ली, इसको इधर पूरा इस तरीके से टिका लेना है अपने को और ये पकड़ा डंबल इस तरीके से और फिर पूरा ऐसे लेट जाना है इस तरीके से, अब क्या करना है इस तरीके से ये
पूरा आप जाना है, फिर ये पूरा नीचे, पूरा इस तरीके छोड़ना भी नहीं, पूरा ऐसे आप ऐसे रखना है थोड़ा सा कर्म में। तो इस तरीके से गए और ये नीचे, ये गए ऊपर, ये देखो मैंने पूरा नहीं छोड़ा, इधर ही होल्ड कर दिया हल्का से पे, जैसे नीचे वाला जाता। तो इस तरीके से ये गए नीचे, ये गए ऊपर और ये गए इस तरीके से। ये करनी है आपको, पूरा नीचे नहीं छोड़ना है, दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी एक्सरसाइज में अपने आपको डंबल फेंकना नहीं है। फेंकोगे डंबल तो भाई इस पर घिचावट आएगी, नहीं बन पाएगी और इंजरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आशा करता बहुत बड़ा मजा आया होगा आपको इस वीडियो में। तो आज के लिए इतने था बस, क्या ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए।